और इसी बीच एक बड़ी खबर, रवि सिन्हा देश के नए खुफिया चीफ होंगे। छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस हैं रवि सिन्हा, जो कि देश के नए खुफिया चीफ होंगे। सामंत कुमार गोयल की जगह रवि सिन्हा अब लेंगे। सामंत कुमार का 30 जून को दरअसल कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनकी जगह अब रवि सिन्हा को इस जिम्मेदारी मिलेगी। तो रवि सिन्हा का कार्यकाल 2 साल के लिए होगा। 1988 बैच के आईपीएस अफसर है रवि सिन्हा, जो कि सामंत कुमार की जगह आप जिम्मेदारी संभालेंगे। जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ छत्तीसगढ़ सेट हेड आदित्य नामदेव जी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, जानना चाहेंगे आपसे रवि सिन्हा जी के बारे में, जो कि एक नई जिम्मेदारी अब संभालेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए ये साल बहुत बड़ी उपलब्धियों भरा रहा है। पहली उपलब्धि थी यहाँ से, जो यहाँ के चीफ पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, फिर आंध्रा के चीफ जस्टिस बने और सुप्रीम कोर्ट के जज बने प्रशांत जी। उसके बाद ये दूसरी बड़ी उपलब्धि है, 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ कैडर के रवि सिन्हा जी, वो अब रॉ के चीफ होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए पहली बार इतनी बड़ी उपलब्धि है, इतनी बड़ी पोजीशन पर उनको रखा गया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जिसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में हुई थी। इसका मुख्य काम देखिए रॉ का वही होता है, विदेशी खुफिया जानकारी, आतंकवाद का मुकाबला, ये तमाम चीजें होती हैं। बड़ी जानकारी है, उनको रॉ का चीफ बनाया गया, छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस 23 साल में छत्तीसगढ़ में पहली बार कोई आईपीएस अधिकारी को, जो छत्तीसगढ़ कैडर का रहा, उसको इतनी बड़ी जवाबदारी सौंपी गई। शुक्रिया आपका सर, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर है, भारत के अंदर खुफिया जानकारी जुटाकर जो राष्ट्र विरोधी तत्व होते हैं, उनके इरादों को नेस्तनाबूद करने, नाकाम करने की जो सबसे बड़ी एजेंसी होती है, संस्था होती है रॉ, जिसका जिम्मा अब सौंपा गया है रवि सिन्हा जी को। देश के नए खुफिया चीफ वो होंगे, और छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि। इसी के साथ